हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे पंजाब में जितनी भी बीएएमएस की कॉलेजेस है ना, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, सभी कॉलेजेस के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि 2024 में पंजाब में सभी कॉलेजेस की फीस क्या रहने वाली है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, सभी कॉलेजेस की फीस के बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो बता दूं कि पंजाब में दो और नई कॉलेजेस ऐड हो रही हैं इस साल। तो जब कॉलेजेस बढ़ेंगी यानी टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होगा, जब सीट बढ़ेगा तो कट ऑफ जो है थोड़ा सा तो डाउन होगा ना। तो बिल्कुल, अगर आप पंजाब में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि टोटल कितनी कॉलेजेस हैं और आपको कहां पे एडमिशन लेना चाहिए। तो पंजाब की अगर बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं आप सबको कि पूरे पंजाब में जितनी भी कॉलेजेस है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो सभी एक ही यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, और वो यूनिवर्सिटी है आपका गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, जितनी भी कॉलेजेस है ना, सभी इसी से अफिलिएटेड है। ठीक, यानी कि उन सभी का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करता है, जितनी भी चीजें होती है, सब यही यूनिवर्सिटी देखरेख करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पूरे पंजाब में कॉलेजेस है कितने। ठीक है, तो देखिए पूरे पंजाब में जो है ना, टोटल नंबर ऑफ कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 16 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेजेस मिला के 16 कॉलेज है। जिसमें कि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे मात्र एक गवर्नमेंट कॉलेज है पूरे पंजाब में, और 15 जो है प्राइवेट कॉलेज है। ये जो 15 कॉलेजेस है ना, ये पुराने कॉलेजेस है, दो अभी नए कॉलेज और आएंगे तो ये 17 हो जाएंगे, तो सीटों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है मात्र 35 सीट है। जी हाँ दोस्तों, पूरे पंजाब में जो है सिर्फ 35 गवर्नमेंट की सीट है बीएएमएस की, और प्राइवेट में जो है 940 सीट जो है बताई गई है। अगर दो कॉलेज बढ़ेंगे तो ये लगभग जो है आपका 1050 के समथिंग जो है सीट हो जाएगा। तो पंजाब में जो है ये इतनी टोटल कॉलेजेस हैं और सीट है। अब हम देखेंगे एक एक कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कॉलेजेस है, कब स्टेबलाइज हुई थी, सभी चीजों के बारे में जो हम बात करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो टोटल 16 कॉलेजेस है ना, उन सभी कॉलेजेस का इस लिस्ट में नाम है। ठीक है, सबसे पहला जो कॉलेज है वह है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला। पटियाला में सिचुएटेड है ये पंजाब के, और ये एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर इस कॉलेज के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि कौन सी कैटेगरी को जो है किस मार्क्स पे ये कॉलेज अलॉट होता है, तो आप जो है हमारे चैनल पर जाके एक बार देख सकते हैं। इस कॉलेज के बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, एक पार्टिकुलर इस कॉलेज के बारे में वीडियो बनाया है कि कौन सी कैटेगरी को किस मार्क्स पे कॉलेज अलॉट होती है। ठीक है, दूसरा कॉलेज जो है श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि अमृतसर में सिचुएटेड है। अमृतसर का नाम सुना ही होगा आपने, बहुत ही फेमस जगह है पंजाब की, तो वहां पे जो है ये कॉलेज सिचुएटेड है। तीसरा कॉलेज है दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि जलंधर में सिचुएटेड है। पंजाब का बहुत ही बेस्ट कॉलेज माना जाता है दयानंद को। ठीक है, चौथा कॉलेज है श्री सत्य साई मुरलीधर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। पांचवा कॉलेज है माई भागो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, गुरु नानक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पंजाब में दो हैं, एक तो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में और एक मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये लुधियाना वाला हो गया, ये मुक्तसर वाला हो गया। उसके बाद जो है शहीद करतार सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि लुधियाना के सराबा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट कॉलेज है बाबे के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मोगा। यह एक ऐसा कॉलेज है जिसमें पीजी की कोर्सेज भी अवेलेबल है साथ में। ठीक है, दूसरा कॉलेज है श्री उर्मिला देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि होशियारपुर में सिचुएटेड है। ये जस्ट यूनिवर्सिटी के पास में ही कॉलेज सिचुएटेड है, और हिमाचल के जो बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं होशियारपुर के लिए, क्योंकि ये एकदम पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद जो कॉलेज है सेंट सहारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, बठिंडा में सिचुएटेड है। बठिंडा भी एक बहुत अच्छी शहर है। ठीक, शिव शक्ति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि मनसा डिस्ट्रिक्ट में है। हार्मनी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि फिरोजपुर में सिचुएटेड है आपका। उसके बाद आता है चंडीगढ़ में कॉलेज है सरस्वती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। पूरे पंजाब में सभी कॉलेजेस में 60-60 की इंटेक है, लेकिन सरस्वती में जो है ये यहाँ पे 100 की इंटेक मिलती है आपको, टोटल 100 सीट यहाँ पे है। उसके बाद है बाबा हीरादास जी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि जो है मुक्तसर में सिचुएटेड है, बादल विलेज में। ठीक, उसके बाद है आपका खालसा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि मनसा में सिचुएटेड है। तो बच्चों, ये थी पंजाब की 16 कॉलेजेस जिसके बारे में हमने देखा। जो नई कॉलेजेस आने वाली है, मैं बता दूं कि वो एक तो लुधियाना साइड में कॉलेजेस आ रही है नई, और एक अबोर साइड में आ रही है। ठीक है, तो कॉलेजेस कौन सी रहेगी उसके बारे में भी मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। अभी हमने कॉलेजेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली,
मैं पार्टिकुलर एक एक कॉलेज पर जो है बहुत डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूं ताकि आपको पता चल सके कि इस कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है और जो है क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, सब कुछ आपको जो है इस चैनल पे मैं बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी काउंसलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की जाए ताकि आपके मार्क्स पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलने वाला हो आपको मिल सके, तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो है आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहती है काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, कौन सी कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है, कौन सी कॉलेज जो है कितने फीस में मिल सकती है, आपको सारी टॉपिक जो हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं आपसे। तो मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूशन फी के बारे में कि हमने ये तो देख लिया कि कॉलेजेस कौन कौन सी है, ठीक है, ट्यूशन फीस तो देखना जरूरी है। तो देखिए पूरे पंजाब में जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस है ना उन सभी का फी जो है गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी द्वारा डिसाइडेड है, ठीक। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें ना तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है ना यहाँ पे वो है 52,000 रुपीज पर ईयर, ठीक है। उसमें जो है 5% एवरी ईयर जो है एनुअल इंक्रीजमेंट यहाँ पे बताई गई है। प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ अगर तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 2,20,500 रुपया जो है एवरी ईयर की फीस बताई गई है, जिसमें जो है 5% आपका जो फीस है वो एवरी ईयर इंक्रीज करेगा। तो ये जो है प्राइवेट कॉलेज की फीस है, ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। बच्चों कॉलेजेस आप चाहे किसी भी स्टेट में लीजिए, ठीक है, लेकिन एडमिशन लेने से पहले जो है एक बार आप परख लीजिए कि वो कॉलेज अच्छी है या नहीं, वाकई में वहां पे जो है एजुकेशन प्रॉपर मिलता है कि नहीं। तो बच्चों पंजाब से मैंने खुद स्टडी की है, मुझे हर एक कॉलेज की डिटेल्स पता है कि कौन सी कॉलेजेस में फैकल्टी अच्छी है, कौन सी कॉलेजेस में एजुकेशन अच्छा होता है। तो आप चाहे तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, कॉन्टेक्ट करके हमारी पेड काउंसलिंग द्वारा आप एक बेहतर काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं और अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।